प्रदेश में चल रहे अवैध खनन में 90% लोग मंत्री, विधायक और चेयरमैन शामिल है। ये बात विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर क्रशर पर राजनीतिज्ञों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन बंद होना चाहिए। विधानसभा में बजट पर चर्चा तीसरे दिन भी जारी रही। चर्चा में भाग लेते हुए हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रदेश में अवैध खनन के लिए अपनी ही बिरादरी को जिम्मेवार ठहराया और इस गोरख धंधे को बंद करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90% क्रेशर राजनीतिज्ञों और ऊंची राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों के हैं। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने ना तो किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ काम किया और ना ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा के लिए बजटीय प्रावधान और किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता से निश्चित रूप से किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा की प्रदेश व केंद्र सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिहाज से सरकार का पहला और आखिरी बजट काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वर्तमान सरकार का पहला बजट निराशाजनक है। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की घटती दर के लिए भी भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बीच में टोकते हुए सवाल किया कि उनकी 2 माह की सरकार इसके लिए कैसे जिम्मेवार हो सकती है। उस पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नोटबंदी जैसे नीतियों के कारण पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा था। उन्होंने नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी हिमाचल दौरे पर आए, प्रदेश के लोगों को निराशा ही हाथ लगी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा प्रदेश की मदद की। हर्षवर्धन ने सांसदों से हिसाब मांगने पर भाजपा नेताओं के नाराज होने पर भी हैरानी जताई और कहा कि वे प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपनी 4 साल की कारगुजारी को लोगों के सामने रखना चाहिए। हर्षवर्धन ने वार्षिक योजना में की गई करीब 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को भी सामान्य बताया। उन्होंने प्रदेश के विकास में कांग्रेस को थोक व्यापारी और भाजपा को प्रचून व्यापारी की संज्ञा दी। उन्होंने सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और बजट को खोखला व दिशाहीन बताया। हर्षवर्धन ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने बजट को सर्व वर्ग हितकारी बताया और कहा कि जिस बजट में बुजुर्गों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, बागवानों और कर्मचारियों का ध्यान रखा गया हो, उसकी सराहना की जानी चाहिए। कांग्रेस के विधायक लखविंदर राणा के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने सबसे अधिक बार मेजें थपथपाकर उनका अभिवादन किया, क्योंकि विपक्ष की ओर से बोलने के बावजूद उन्होंने बजट में की गई जनहितैषी घोषणाओं की सराहना की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक कदमों के सुझाव भी दिए। उन्होंने नालागढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण कार्य में प्रगति न होने और सड़कों की खस्ता हालत पर चिंता जताई। साथ ही प्रदेश के उद्योगों में हिमाचलियों को उचित रोजगार दिलाए जाने पर बल दिया। विधायक सुरेश कश्यप ने बजट को विकासोन्मुखी बताया और कहा कि प्रदेश के बजट में पहली बार जैविक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित करने और किसानों बागवानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं और बजटीय घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किए गए बजट के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ की और बजट की आलोचना करने के लिए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक ओर तो विपक्षी सदस्य कांग्रेस के बजट की नकल इसे बता रहे हैं और दूसरी ओर उसी बजट की आलोचना भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विधानसभा में कहा कि बिना अनुमति और नियम को तोड़कर बनाए गए भवनों को नियमित करने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ सरकार पुनर्याचिका दायर करेगी। सरवीण चौधरी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह के एक संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अवैध भवनों को नियमित करने के लिए पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने एक नीति लाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।
इस मामले में अब सरकार फिर से अदालत जाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इसी तरह एनजीटी में भी सरकार ने शिमला शहर और प्लानिंग एरिया में निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंधों और शर्तों को चुनौती दी है और इस पर इसी माह 13 मार्च को सुनवाई भी हुई, लेकिन एनजीटी में दो न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त हो जाने के चलते एनजीटी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। इसी के चलते प्रदेश सरकार अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी और प्रभावित लोगों को राहत दिलाई जाएगी। एनजीटी के आदेशों को लेकर सरकार के गंभीर ना होने के विधायक विक्रमादित्य सिंह के आरोप पर सरवीण चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार अदालत का सम्मान करती है और केवल अपील दायर कर सकती है, जबकि फैसला अदालत को ही देना है। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने एनजीटी में राज्य के पक्ष की सही पैरवी नहीं की। यही नहीं, एनजीटी में पैरवी के लिए सरकार ने एक नामी वकील पिनाकी मिश्रा को फीस के रूप में 36 लाख रुपए भी दिए, लेकिन संबंधित वकील ने एनजीटी में 36 शब्द भी नहीं कहे। उन्होंने राज्य के पूर्व महाधिवक्ता पर ही इस मामले की अनदेखी करने के आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सवाल किया। विधायक बलबीर वर्मा, सुरेश कश्यप और नरेंद्र ठाकुर के संयुक्त सवाल के एक जवाब में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा आईपीएच विभाग में नियमों को ताक पर रखकर की गई पाइप खरीद की जांच की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पाइप खरीदने के लिए दिशा निर्देशों को बदला गया। महेंद्र सिंह ने कहा कि दिशा निर्देशों के साथ छेड़छाड़ की भी जाँच होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने पहली बार अधिक पाइपें कम कीमत में खरीदी, जबकि बाद में यही पाइपें 5 गुना अधिक दाम पर खरीद ली गई, जिसे लेकर शंका होना स्वाभाविक है। महेंद्र सिंह ने आईपीएच विभाग द्वारा पाइपों सहित अन्य सामान की खरीद के लिए किए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि ओपन मार्केट में कोई चीज सस्ती मिलती है तो उसे रेट कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि विभाग रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पाइपें खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पाइपों के मामले में जयराम ठाकुर सरकार किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करेगी। विधायक हर्षवर्धन चौहान और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने अपने सवाल पूछे। कांग्रेस के विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर सवाल किया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि इस अस्पताल का कार्य कब तक आरंभ होगा। कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने जो सदन को अपना उत्तर दिया है मुकेश अग्निहोत्री के प्रश्न के उत्तर में, वो एक ऐसा उत्तर है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाला है। और मैं गुमराह करने वाला मैं इसलिए कहूँगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, तो बजट बुक में उसको प्राथमिकता के आधार पर छापने की ज़रूरत क्या है, जिसमें कहा गया कि 1351 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए जो है बजट का प्रावधान हो गया है। और द्वंद्व ये है कि मेंबर पार्लियामेंट जो है हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो कह रहे हैं कि एक भी पैसा जो है वो नहीं मिला है। वो कह रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा ने नहीं, ये तो हर्षवर्धन के टाइम पे जो है ना खुला है, हमने उसे कुछ नहीं लेना है। आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है, पर जब प्रदेश की सरकार को यही मालूम नहीं है कि उसकी ड्राइंग्स कब बननी है, प्रदेश की सरकार को यही मालूम नहीं है कि वो काम कब शुरू होना है, बिकॉज वो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने, तो प्रदेश सरकार जो है वो फजूल में उसका श्रेय अपने को अगर ले रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा वी आर प्राउड ऑफ के माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और बिलासपुर में ये एम्स खोलने का निर्णय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तब किया जब माननीय वीरभद्र सिंह जी। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स के शिलान्यास के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संस्थान के लिए 1351 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए इतना बड़ा संस्थान मिलना गौरव की बात है और इतना बड़ा संस्थान खड़ा करने में कुछ तो वक्त लगेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि एम्स के लिए जमीन हस्तांतरित कर दी गई है और सरकार इसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए प्रयासरत है। लंबे समय के बाद ऐसा स्वास्थ्य संस्थान जो प्रेस्टिजियस हर दृष्टि से है वो हिमाचल को मिला है, उसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उस पर अनावश्यक रूप से जो बातें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे लगता है कि उसमें शिलान्यास होने के बाद एक आशंका थी, होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, वो समाप्त हो गई। दूसरी, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय करके जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी,
सैद्धांतिक रूप से उसमें 1351 करोड़ रुपए पैसे का प्रावधान वो भी साथ में कर दिया, और उसके बाद आगे की जो औपचारिकताएँ वो औपचारिकताएँ उसमें थोड़ा समय लगता है, और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत जल्दी हमें भी जल्दी है उसमें, हम जल्दी उसको उस काम को शुरू करेंगे, और DPR का प्रोसेस, क्योंकि पैसा तब जारी होगा पूरा, उसमें किस्तों में होता है पैसा, और वो पैसा जब DPR बन करके तैयार होगी, वो सारी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। हाँ, इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन से वहाँ पर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन से पहले जो औपचारिकताएँ उसमें होनी है, जैसे बाउंड्री वॉल लगनी है उसकी, उसके जो साइट की जो डेवलपमेंट है, वो सारे इश्यूज हैं। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि काम बहुत जल्दी जो उसको शुरू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।